गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अभी जैसे कि मालूम नहीं, फिरोज़ का फ़ोन आया था और मेरे ख्याल से, नॉट श्योर, मेरे ख्याल से मे भी कुछ बर्थडे की प्रिपरेशन की भी उन्होंने। अभी मुझे थोड़े टाइम पहले कॉल आया और ही सेट के बाहर चल रहा है। मैंने बोला मेरा तो रोज़ा है, आफ्टर रोज़ा, चलो अल्लाह का शुक्र है। तो मे भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मे भी कुछ उन्होंने कुछ मतलब सेलिब्रेट करना चाहते होंगे बर्थडे मेरा। सो चलते हैं, फिर वहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या, मतलब कैसा बर्थडे, बर्थडे ही सेलिब्रेशन होना चाहिए, मेरा पोपट ना हो जाए कहीं, देखते हैं। हाँ मैं गेकअप कर रही हूँ, मुझे गेकअप करने दो। अनायरू, और यहाँ मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, लेकिन ये लड़की ना बीच में आके मुझे बहुत तंग कर रही थी, इतना डिस्टर्ब कर रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैं ना फिरोज़ के ऊपर गुस्सा कर रही थी, वो आ गए थे तो मैंने कहा संभाल लो जरा। देखो डायरा को क्या हो गया। डायरा क्या कर रहे हो? बोलो मेकअप कर रही। लिपस्टिक कैसा लगा रहे हो, दिखाओ। ऐसा लगाते, ऐसा कौन, मम्मा लगाती है? नहीं। फिर कौन लगाता है? अनायरा। ओपन करो मम्मा, ओपन कर दो प्लीज। अनायरा मम्मा को बोलो ओपन करने के लिए। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, खुशी। अनायरू आप दिखाओ, आप कैसे रेडी हुई, मम्मा को दिखाओ। वाओ, बस ये हेयर्स नहीं सेट करती लड़की, पिंस वगैरह निकाल देती है। माशाल्लाह तो बोल दो। माशाल्लाह, थैंक यू। चलिए मिलते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, नहीं मालूम, बस तैयार हो गए हैं। चलो अनायरू, वी आर रेडी, गुमू गुमू। तो फटाफट तैयार होके नीचे आ गए और जना वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं आगे निकली तो सामने मैं कुछ देखती हूँ और मुझे लग जाता है शॉक। ये एक और सरप्राइज था जनाब का, मेरा नाम। हाय, बहुत ज्यादा प्यारा लगा। फिर आगे चलती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे अनायरा का भी क्यूट सा नेम लिखा हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। गुमू गुमू जा रहे, हाँ चलेगा ना। बस फिर हम उस लोकेशन पे पहुंच गए थे। देखो जैसे ही कार की एंट्री हो रही थी, वैसे ही क्रैकर्स शावर हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और जैसे कि शावर कंटिन्यूसली चालू था और अनायरा का रोना भी कंटिन्यूसली चालू था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, उनको एकदम ऐसा लगता है हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है, क्योंकि हम गोवा गए थे तो सेम सिचुएशन थी, बहुत डर गई थी वो। फिर बस जल्दी से कार पार्क करी इन्होंने और मैं उधर गई थी अनायरा को लेके। अब अनायरा का था कि डैडा गोदी में लो, तब उनका चालू रहेगा। फिर हम लोग, मतलब इनके डैडा ने गोद ले लिया मैडम को, रोते इतना रो रही थी ना, ये एक्साइटमेंट भी बहुत होती है और जल्दी से डर भी जाती है। फिर इनके डैडा ने इनको गोदी लिया और फिर हम लोग आने लगे और वो मंजर अल्हम्दुलिल्लाह।
अंदर आते ही ओ माय गॉड वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब क्या है ये बंदा, हमेशा मतलब शॉक कर ही देते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल करके, ऐसा जताते नहीं हैं बट ऐसे तो नंबर वन। बहुत ज़्यादा शॉक लगा मुझे देख के और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो व्यू, क्योंकि एकदम गार्डन में डेकोरेशन किया हुआ था, ऊपर से आसमान दिख रहा था। मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि कैप्चर करने वाले ने ऐसे ही मोमेंट कैप्चर किया है। और यहाँ बस हमने बिना किसी चीज़ की देरी किए हुए केक कट कर लिया था, क्योंकि गार्डन में थे ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह आने थे, तो अनायरा की वजह से जल्दी, और अनायरा को तो फिर वेट होता नहीं है, उनको तो लगता है कि उनका ही बर्थडे हो रहा है। और यहाँ बहुत प्यारा म्यूज़िक भी बज रहा था लाइक लव सॉन्ग, बट वो क्या था कि कॉपीराइट में आ जाता है इसलिए मैंने कट कर दिया और मेरी वीडियो ख़राब हो जाती। और यहाँ इतना प्यारा सा खूबसूरत सा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, वो भी कैप्चर करवाया मैंने। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे तो, मतलब कहते हैं ना बहुत बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और यहाँ नायरा और डैडा की बातें चल रही हैं, वॉइस इसलिए कवर अप करना पड़ रहा है बिकॉज म्यूज़िक चल रहा था, रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन फिर वही होता कॉपीराइट, सो इसलिए कट किया। और यहाँ दोनों की बातें चल रही थी, इसके बाद फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा बाहर बैठे हुए गार्डन में, अब कहीं अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि अनायरा को मच्छर बहुत कट करेंगे। हाय, क्या लाइट आई? लाइट जलाई, लाइट लाइट आ गई। मम्मा बोलो डोंट, अनायरा फ्रेंच फ्रेंच कर रही है। आई फ्रेंच फ्रेंच कर रही है, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। ओके, पूरे सिंगर कैमरे के आगे लगा दी। अच्छा के प्ले खा लो, और पूरे कपड़ों में ना हाथ नहीं पोछो। हमारा वीडियो निकाल दो, करो डांस। पिंकी चिकी, पिंकी चिकी, अरे कमर पे पोछ दो, कमर पे हाथ रख के, ये देखा, वहां से चल के आओ, वहां से वो कर। फाइनली बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था फिरोज़ ने, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई थी। अच्छा था, बहुत अच्छा था, एक साल और कम हो गया लाइफ का। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।